ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मंदिर मसले की, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से कह दिया गया है कि अभी वक्त नहीं है। इससे पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्योंकि बार बार बीच में बोल रहे हैं, ठीक है, यदि शहजाद पहले आप अपनी बात से डिबेट नहीं करेंगे तो मैं आगे के डिबेट में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुन्ना जी बोलते रहे और अपनी जो यहाँ पे अपनी बात पूरी रखे, पूरा मौका मिलेगा सभी मेहमानों। आप मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं, इन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि जो पार्टी विरोध करेगी कानून लाने का राम मंदिर के लिए, वो पार्टी उसका नस्तनाबूत हो जाएगा। यहाँ पे भाजपा वाले बोल ही नहीं रहे कि कानून लाएंगे, तो पहले ये भाजपा को नसीहत दो ना, कानून लाना पड़ेगा। तो बोलिए वो ला रहे हैं क्या? पूछिए उनसे, आप उनसे पूछिए ना ला रहे हैं क्या? कानून नहीं आया तो भाजपा भी मिट जाएगी। भाजपा वालों से आप पूछिए कि वो ला रहे क्या करेंगे। मुन्ना शर्मा जी, नहीं क्या करेगी हिंदू महासभा, क्या करेगी? कानून अपने हाथ में लेगी, क्या करेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? इस मसले का निपटारा किस तरह से हो ये हिंदू महासभा तय करेगी। कौन तय करेगा? देश का कानून तय करेगा, सर्वोच्च अदालत तय करेगी, या दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मामले का निपटारा करेंगे? कौन करेगा? मुन्ना शर्मा जवाब दीजिए। ये संसद में विशेष कानून लाके बनाया जाएगा। आपने पहले ही देखा है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे पटेल साहब। उन्होंने दोनों ने मिलकर के वहां पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या उस आधार पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता? तो सर इसका समर्थन तो ले लीजिए, सहयोगी है ना आप लोगों के? दिनेश सिंह जी भरोसा दीजिए। अगर हिंदू महासभा के लोग इस तरह से कह रहे हैं, दिनेश जी की पार्टी तो राम मंदिर के नाम, ठीक है, अब इंतजार कीजिए मुन्ना जी, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए जी। दिनेश जी, अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। देखिए सवाल यहाँ अक्षय जी ये नहीं है, सवाल ये है कि एक पार्टी की आस्था का प्रश्न है और दूसरी पार्टी की जिद की जिद है। दूसरी पार्टी की आस्था और भावना नहीं है। अगर वो बाबरी मस्जिद को बाबर से और हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या रिश्ता है जी, जरा कोई बताइए। जिद है कि वहाँ मंदिर बन जाए, कौन सी आस्था है? तो सर कानून ले आइए, जहाँ इतने सालों से नमाज दिनेश जी नहीं, कानून नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ना, वो फैसला तो किसी तथ्य आधार पर ही दिया होगा। जितने एविडेंस है वो राम मंदिर के पक्ष में जाते हुए उनको दिखाई दिए होंगे। हम हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से तो ऊपर है नहीं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय चाह रहा था कि दोनों पक्षों की जीत हो जाए, और नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। और दोनों कभी भी इस देश का अभी बताया नहीं है, आप बीच में बोलना जरूरी है। जवाब दे रहे हैं को कौन नहीं मानता होते हमारा जवाब दे रहे हैं होते हैं आपकी एक सीट नहीं है पार्लियामेंट में, आप बोल रहे हो जवाब देने से नहीं होता है क्या? नहीं, आप चुनाव लड़ना इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं। मुन्ना शर्मा जी, इस मंच पर अपनी बात रखिए और दूसरे को सुनिए। मानेगा नहीं मानेगा, इनके कहने से मानेगा। देखिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली बार अगर इनको आप डिबेट में बुलाएंगे तो आप प्लीज मुझे मत बुलाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। शायद मेरा राम मंदिर की जितनी भूमि वहाँ पर है वो सब हिंदुओं का है, सब मंदिर का है। ये मुन्ना शर्मा जी, कौन था बताइए? मुन्ना शर्मा जी था, मुन्ना शर्मा जी आक्रमणकारी था। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें कोर्ट के सामने दीजिए। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें सर्वोच्च अदालत के सामने दीजिए जाके, कोर्ट का द्वार खुला हुआ है। हम पक्षकार रहे हैं वहाँ, हम वहाँ पर दलील दे रहे हैं और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो कैसे हिंदुस्तान में सर्वोच्च अदालत से ऊपर है क्या आप लोग? क्यों ऊपर है? कोई भी ऊपर नहीं है। जब सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले का निपटारा दोनों पक्ष आपस में बैठकर सुलह समझौते के आधार पर तय कर लें, देख अर्चन आप जैसे लोग नहीं बनते हैं क्या? मुन्ना शर्मा जी वो भी देख लेते हैं। मुफ्ती साहब मैं आपके पास आता हूँ। देश के मुसलमान मंदिर के विरोध में कभी नहीं रहे हैं, मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली साहब का ये बयान। वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध मंदिर को लेकर नहीं है। फिर सियासत हो रही है क्या मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी? देखिए
देखिए मैं अक्षय बताऊं आपको कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को बड़ा भाई समझता है और बड़े भाई की मुखालफत हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे करेगा, या फिर मंदिर उनकी आस्थाएं जहां लगती हैं अपने भाइयों की आस्थाओं के साथ हम खेल कैसे कर सकते हैं। हम उनकी मंदिरों का भी एहतराम करते हैं लेकिन शर्त यह है कि वो हमारी मस्जिदों का भी एहतराम करें। हमारे बड़े भाई होने की हैसियत से मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मुसलमान है, फिर आप मुन्ना शर्मा जैसे लोग इस तरीके की भावनाएं फैला करके हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों बनाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान एक सुझाव जो सुब्रमण्यम स्वामी ने मुफ्ती साहब दिया को पहले अगर सरयू पार अगर मस्जिद का निर्माण हो जाता है उसमें आपत्ति कहां पर है मुफ्ती साहब? मुन्ना शर्मा जी अपनी बात करें, भगवान राम के जन्म स्थान मुन्ना शर्मा जी बड़ी माफी के साथ आपकी आवाज करानी पड़ेगी। अगर वो शरीयों पर मंदिर का मर्यादा मंदिर की इमारत बन जाती है तो उसमें आपत्ति क्या है बताइए। नहीं सर, अगर ये कहा जा रहा है कि वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मंदिर का काम हो जाता है तो अगर मस्जिद का निर्माण वहां से थोड़ा हटकर हो जाता है सरयू पार हो जाता है तो इस पर आपत्ति कहां है? उस मस्जिद में कोई नमाज होता ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था। मुन्ना जी प्लीज, अक्षय जी मैं आपको इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तजाद डाला और हमारे हिंदू भाइयों को बताया कि यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ है, लेकिन अंग्रेजों की बात को मान करके यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तजाद पैदा किया गया है। हमारे भाई इस चीज को सर अंग्रेजों की बात मत कीजिए, मुफ्ती साहब इतिहास बहुत पुराना है, सुनिए ना मुफ्ती साहब इतिहास बहुत पुराना है ना? आप हमारे भाई और अगर बाबर की बात करते हैं तो 1528 में बाबर सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था ना, मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था ना मस्जिद, तो पुराने इतिहास की बात पर मत जाइए। ये बताइए कि सुलह का रास्ता क्या हो सकता है? अरे साहब ऐसा है कि हम बाबर में हमारी आस्था नहीं है, मस्जिद में हमारी आस्था है। अक्षय जी बाबर में हमारी कोई आस्था नहीं है, आस्था जो हमारी है वो मस्जिद के अंदर में है। उन प्रैक्टिकल के तौर पर लोगों ने देखा है कि वो तीन गुंबद वाली और मस्जिद जो पूरी दुनिया में देखी जा रही थी, लोग देख रहे थे उसको, कुछ लोगों ने मिलकर के तोड़ दिया और वो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। अरे साहब सुन लीजिए मुन्ना जी, सुन लीजिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं, देखिए मस्जिद तो सारे लोगों ने देखा कि हमारी वो मस्जिद तीन गुंबद वाली जो सारी जहां मुन्ना शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर का विरोध मत कीजिए, केवल मैं ये कह रहा हूँ। मुन्ना शर्मा जी आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास आऊंगा फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, टपकना नहीं चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। रामदत्त त्रिपाठी जी, क्या इन हालातों में आपको लग रहा है कि सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है? अब तो सर्वोच्च अदालत को ही आना पड़ेगा ना इस पूरे मामले में, जो भी फैसला हो जिसके भी पक्ष में हो। देखिए इसमें दो मामला है कि एक तो हिंदुओं की तरफ से ये तर्क है कि वो जो जगह है मंदिर हो या ना मंदिर, उनकी अपनी राय होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दिया है आज भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, आज तक की तारीख आप चर्चा कर रहे हैं कि आज तक की डेट है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कल तय करना है, परसों तय करना है, जब समय होगा वो तय करेगी कि अगला क्या सिस्टम होगा। उन्होंने एक अवसर दिया था, दोनों पक्षों को एक बेहतर अवसर दिया था और एक कहते हुए अवसर दिया था कि अगर आवश्यकता होगी तो खुद मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा सुनहरा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता था। लोग ये कह रहे थे कि 9 बार चर्चा हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, तो हो सकता है 10वीं बार निकल जाए, 11वीं बार निकल जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो वजह क्या है कि कोई नतीजा इस पर निकल नहीं पा रहा है? इससे पहले भी कई बार समझौतों के प्रयास किए जा चुके हैं शहजाद, अब जिस तरह से माननीय अदालत की तरफ से ये कहा गया, सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जो भी कहा वो अलग चीज है, लेकिन अयोध्या मंदिर और ये मस्जिद विवाद जो है इसको लेकर क्या आपको अब लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को ही इस पूरे मामले पर अब फैसला देना चाहिए? देखिए मैंने किसी की बातों में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मंदिर मसले की जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से कह दिया गया है कि अभी वक्त नहीं है, इससे पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं,
एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि बार बार बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, यदि शहजाद पहले आप अपनी बात से डिबेट नहीं करेंगे तो मैं आगे के डिबेट में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुन्ना जी बोलते रहे और अपनी जो यहाँ पे अपनी बात पूरी रखे, पूरा मौका मिलेगा सभी मेहमानों। आप मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं, इन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि जो पार्टी विरोध करेगी कानून लाने का राम मंदिर के लिए, वो पार्टी उसका नस्तनाबूत हो जाएगा। यहाँ पे भाजपा वाले बोल ही नहीं रहे कि कानून लाएंगे, तो पहले ये भाजपा को नसीहत दो ना, कानून लाना पड़ेगा। तो बोलिए वो ला रहे हैं क्या, पूछिए उनसे, आप उनसे पूछिए ना ला रहे हैं क्या। कानून नहीं आया तो भाजपा भी मिट जाएगी, आपको भाजपा वालों से आप पूछिए कि वो ला रहे क्या करेंगे। मुन्ना शर्मा जी, नहीं क्या करेगी हिंदू महासभा, क्या करेगी, कानून अपने हाथ में लेगी, क्या करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? इस मसले का निपटारा किस तरह से हो ये हिंदू महासभा तय करेगी। कौन तय करेगा? देश का कानून तय करेगा, सर्वोच्च अदालत तय करेगी, या दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मामले का निपटारा करेंगे, कौन करेगा? मुन्ना शर्मा जवाब दीजिए। ये संसद में विशेष कानून लाके बनाया जाएगा। आपने पहले ही देखा है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने दोनों ने मिलकर के वहां पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या उस आधार पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता? तो सर इसका समर्थन तो ले लीजिए, सहयोगी है ना आप लोगों के, दिनेश सिंह जी भरोसा दीजिए। अगर हिंदू महासभा के लोग इस तरह से कह रहे हैं, दिनेश जी की पार्टी तो राम मंदिर के नाम। ठीक है, अब इंतजार कीजिए मुन्ना जी, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए जी। दिनेश जी, अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। देखिए सवाल यहाँ अक्षय जी ये नहीं है, सवाल ये है कि एक पार्टी की आस्था का प्रश्न है और दूसरी पार्टी की जिद की जिद है। दूसरी पार्टी की आस्था और भावना नहीं है। अगर वो बाबरी मस्जिद को बाबर से और हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या रिश्ता है जी, जरा कोई बताइए। जिद है कि वहां मंदिर बन जाए, कौन सी आस्था है, कौन तो सी सर कानून ले आइए, जहाँ इतने सालों से नमाज दिनेश जी नहीं, कानून नहीं, हम ये कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ना, वो फैसला तो किसी तथ्य आधार पर ही दिया होगा। जितने एविडेंस है वो राम मंदिर के पक्ष में जाते हुए उनको दिखाई दिए होंगे। हम हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से तो ऊपर है नहीं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय चाह रहा था दोनों पक्षों की जीत हो जाए, और नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। और दोनों कभी भी इस देश का है, अभी बताइए ना, वही आप बीच में बोलना जरूरी है क्या? जवाब दे रहा हूं, कौन नहीं मानता होते हमारा जवाब दे रहा हूं, कौन होते हैं आप? एक सीट नहीं है पार्लियामेंट में, आप बोल रहे हो जवाब देने से नहीं होता है क्या? नहीं, आप चुनाव लड़ना इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं। मुन्ना शर्मा जी, इस मंच पर अपनी बात रखिए और दूसरों को सुनिए। मानेगा नहीं मानेगा, इनके कहने से मानेगा। देखिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली बार अगर इनको आप डिबेट में बुलाएंगे तो आप प्लीज मुझे मत बुलाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। शायद मेरा अपनी बात, राम मंदिर की जितनी भूमि वहाँ पर है वो सब हिंदुओं का है, सब मंदिर का है। ये मुन्ना शर्मा जी, कौन था बताइए? मुन्ना शर्मा जी आक्रमणकारी था। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें कोर्ट के सामने दीजिए। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें सर्वोच्च अदालत के सामने दीजिए जाके, कोर्ट का द्वार खुला हुआ है। हम पक्षकार हैं वहाँ, हम वहाँ पर दलील दे रहे हैं और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो कैसे हिंदुस्तान में सबसे सर्वोच्च अदालत से ऊपर है क्या आप लोग? क्यों ऊपर है? कोई भी ऊपर नहीं है। जब सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले का निपटारा दोनों पक्ष आपस में बैठकर सुलह समझौते के आधार पर तय कर लें, देख अर्चन आप जैसे लोग नहीं बनते हैं क्या? मुन्ना शर्मा जी, वो भी देख लेते हैं। मुफ्ती साहब मैं आपके पास आता हूँ। देश के मुसलमान मंदिर के विरोध में कभी नहीं रहे हैं, मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली साहब का ये बयान, वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध मंदिर को लेकर नहीं है। फिर सियासत हो रही है क्या मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी? देखिए मैं अक्षय बताऊं आपको कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को बड़ा भाई समझता है, और बड़े भाई की मुखालफत हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे करेगा? या फिर मंदिर उनकी आस्थाएं जहां लगती हैं, अपने भाइयों की आस्थाओं के साथ हम खेल कैसे कर सकते हैं? हम उनकी मंदिरों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हमारी मस्जिदों का भी एहतराम करें। हमारे बड़े भाई होने की हैसियत से मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मुसलमान है। फिर आप मुन्ना शर्मा जैसे लोग इस तरीके की भावनाएं फैला करके हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों बनाते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा इस सोच के साथ रहते हैं कि अरे
मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान आप मस्जिद को तोड़ देते साहब और कहते अपमान नहीं है, आप मस्जिद को तोड़ देते साहब और आप कहते अपमान नहीं है। जन्म स्थान की बात कर रहा हूँ। एक सुझाव जो सुब्रमण्यम स्वामी ने मुफ्ती साहब दिया को पहले कि अगर शरीफ पार अगर मस्जिद का निर्माण हो जाता है तो उसमें आपत्ति कहाँ पर है? मैं ये नहीं कह रहा कहीं अपनी बात, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान मुन्ना शर्मा जी बड़ी माफी के साथ आपकी आवाज करानी पड़ेगी। अगर वही शरीयों पर मंदिर का मंदिर की इमारत बन जाती है तो उसमें आपत्ति क्या है बताइए? नहीं सर, अगर ये कहा जा रहा है कि वो भगवान श्री राम जन्मभूमि है, मंदिर का काम हो जाता है तो अगर मस्जिद का निर्माण वहां से थोड़ा हटकर हो जाता है, सरयू पार हो जाता है, तो इस पर आपत्ति कहाँ है? उस मस्जिद में कोई नमाज होता ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था। मुन्ना जी प्लीज, अक्षय जी मैं आपको इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तजाद डाला और हमारे हिंदू भाइयों को बताया कि यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ है, लेकिन अंग्रेजों की बात को मान करके यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तजाद पैदा किया गया है। हमारे भाई इस चीज को सर अंग्रेजों की बात मत कीजिए, मुफ्ती साहब इतिहास बहुत पुराना है, सुनिए ना मुफ्ती साहब इतिहास बहुत पुराना है, है ना? आप हमारे भाई और अगर बाबर की बात करते हैं तो 1528 में बाबर सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था ना मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था ना मस्जिद, तो पुराने इतिहास की बात पर मत जाइए, ये बताइए कि सुलह का रास्ता क्या हो सकता है। अरे साहब ऐसा है कि हम बाबर में हमारी आस्था नहीं है, मस्जिद में हमारी आस्था है। अक्षय जी बाबर में हमारी कोई आस्था नहीं है, आस्था जो हमारी है वो मस्जिद के अंदर में है, उन प्रैक्टिकल के तौर पर लोगों ने देखा है कि वो तीन गुंबद वाली और मस्जिद बन सकता है, मैंने देखी जा रही थी, लोग देख रहे थे उसको, कुछ लोगों ने मिलकर के तोड़ दिया और वो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। अरे साहब सुन लीजिए मुन्ना जी, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर मस्जिद तो सारे लोगों ने देखा कि हमारी वो मस्जिद मुन्ना शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर का विरोध मत कीजिए, केवल मैं ये कह रहा हूँ। मुन्ना शर्मा जी आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास आऊंगा फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, ठीक है? मुफ्ती साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। रामदत्त त्रिपाठी जी, क्या इन हालातों में आपको लग रहा है कि सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है? अब तो सर्वोच्च अदालत को ही आना पड़ेगा ना इस पूरे मामले में, जो भी फैसला हो जिसके भी पक्ष में हो। देखिए इसमें दो मामला है कि एक तो हिंदुओं की तरफ से ये तर्क है कि वो जो जगह है मंदिर हो या न मंदिर, उनकी अपनी राय होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दिया है आज भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, आज तक की तारीख आप चर्चा कर रहे हैं कि आज तक की डेट है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कल तय करना है, परसों तय करना है, जब समय होगा वो तय करेगी कि अगला क्या सिस्टम होगा। उन्होंने एक अवसर दिया था, दोनों पक्षों को एक बेहतर अवसर दिया था और एक कहते हुए अवसर दिया था कि अगर आवश्यकता होगी तो खुद मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा सुनहरा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता था। लोग ये कह रहे थे कि 9 बार चर्चा हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, तो हो सकता है 10वीं बार निकल जाए, 11वीं बार निकल जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो वजह क्या है कि कोई नतीजा इस पर निकल नहीं पा रहा है? इससे पहले भी कई बार समझौतों के प्रयास किए जा चुके हैं शहजाद, अब जिस तरह से माननीय अदालत की तरफ से ये कहा गया, सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जो भी कहा वो अलग चीज है, लेकिन अयोध्या मंदिर और ये मस्जिद विवाद जो है इसको लेकर क्या आपको अब लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को ही इस पूरे मामले पर अब फैसला देना चाहिए? देखिए मैंने किसी की बात तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मंदिर मसले की, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से कह दिया गया है कि अभी वक्त नहीं है, इससे पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि बार बार बीच में बोल रहे हैं, ठीक है? यदि शहजाद पहले आप अपनी बात पूरी करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे तो मैं आगे के डिबेट में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुन्ना जी बोलते रहे और अपनी जो यहाँ पे अपनी बात पूरी रखे, पूरा मौका मिलेगा सभी मेहमानों। आप मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं, इन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि जो पार्टी विरोध करेगी कानून लाने का राम मंदिर के लिए वो पार्टी उसका नस्तनाबूत हो जाएगा। यहाँ पे भाजपा वाले बोल ही नहीं रहे कि कानून लाएंगे, तो पहले ये भाजपा को कानून लाना, तो बोलिए वो ला रहे क्या? पूछे उनसे, आप उनसे पूछे ना ला रहे कानून नहीं आया तो भाजपा पूछिए उनसे, भाजपा वालों से आप पूछिए कि वो ला रहे क्या करेंगे? मुन्ना शर्मा जी नहीं, क्या करेगी हिंदू महासभा, क्या करेगी कानून अपने हाथ में लेगी, क्या करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप?
इस मसले का निपटारा किस तरह से हो यह हिंदू महासभा तय करेगी। कौन तय करेगा? देश का कानून तय करेगा, सर्वोच्च अदालत तय करेगी, या दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मामले का निपटारा करेंगे? कौन करेगा? मुन्ना शर्मा जवाब दीजिए। ये संसद में विशेष कानून लाके बनाया जाएगा। आपने पहले ही देखा है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने दोनों ने मिलकर के वहां पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या उस आधार पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता? तो सर इसका समर्थन तो ले लीजिए, सहयोगी है ना आप लोगों के, दिनेश सिंह जी भरोसा दीजिए। अगर हिंदू महासभा के लोग इस तरह से कह रहे हैं, दिनेश जी की पार्टी तो राम मंदिर के नाम, ठीक है, अब इंतजार कीजिए मुन्ना जी, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए जी। दिनेश जी, अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। देखिए सवाल यहाँ अक्षय जी ये नहीं है, सवाल ये है कि एक पार्टी की आस्था का प्रश्न है और दूसरी पार्टी की जिद की जिद है। दूसरी पार्टी की आस्था और भावना नहीं है। अगर वो बाबरी मस्जिद को बाबर से और हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या रिश्ता है जी, जरा कोई बताइए, जिद है कि वहाँ मंदिर बन जाए, कौन सी आस्था है? तो सर कानून ले आइए, जहाँ इतने सालों से नमाज, दिनेश जी नहीं कानून नहीं, हम ये कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ना, वो फैसला तो किसी तथ्य आधार पर ही दिया होगा। जितने एविडेंस है वो राम मंदिर के पक्ष में जाते हुए उनको दिखाई दिए होंगे। हम हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से तो ऊपर है नहीं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय चाह रहा है दोनों पक्षों की जीत हो जाए, और नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। और दोनों कभी भी इस देश का है, अभी बताइए ना, वही आप बीच में बोलना जरूरी है क्या? जवाब दे रहा हूं, कौन नहीं मानता होते हमारा जवाब दे रहा हूं, कौन होते हैं आप? एक सीट नहीं है पार्लियामेंट में, आप बोल रहे हो जवाब देने से नहीं होता है क्या? नहीं, आप चुनाव लड़ना इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं। मुन्ना शर्मा जी, इस मंच पर अपनी बात रखिए और दूसरों को सुनिए। मानेगा नहीं मानेगा, इनके कहने से मानेगा। देखिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली बार अगर इनको आप डिबेट में बुलाएंगे तो आप प्लीज मुझे मत बुलाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। शायद मेरा अपनी बात, राम मंदिर की जितनी भूमि वहाँ पर है वो सब हिंदुओं का है, सब मंदिर का है। ये मुन्ना शर्मा जी, कौन था बताइए? मुन्ना शर्मा जी आक्रमणकारी था। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें कोर्ट के सामने दीजिए। मुन्ना शर्मा जी, ये दलीलें सर्वोच्च अदालत के सामने दीजिए जाके, कोर्ट का द्वार खुला हुआ है। हम पक्षकार हैं वहाँ, हम वहाँ पर दलील दे रहे हैं और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो कैसे हिंदुस्तान में सर्वोच्च अदालत से ऊपर है क्या आप लोग? क्यों ऊपर है? कोई भी ऊपर नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए ना, जब सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले का निपटारा दोनों पक्ष आपस में बैठकर सुलह समझौते के आधार पर तय कर लें। देख अर्चन, आप जैसे लोग नहीं बनते हैं क्या? मुन्ना शर्मा जी, वो भी देख लेते हैं। मुफ्ती साहब मैं आपके पास आता हूँ। देश के मुसलमान मंदिर के विरोध में कभी नहीं रहे हैं, मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली साहब का ये बयान, वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध मंदिर को लेकर नहीं है। फिर सियासत हो रही है क्या मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी? देखिए मैं अक्षय बताऊं आपको कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को बड़ा भाई समझता है, और बड़े भाई की मुखालफत हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे करेगा? या फिर मंदिर उनकी आस्थाएं जहां लगती हैं, अपने भाइयों की आस्थाओं के साथ हम खेल कैसे कर सकते हैं? हम उनकी मंदिरों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हमारी मस्जिदों का भी एहतराम करें। हमारे बड़े भाई होने की हैसियत से मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मुसलमान है। फिर आप मुन्ना शर्मा जैसे लोग इस तरीके की भावनाएं फैला करके हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों बनाते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान एक सुझाव जो सुब्रमण्यम स्वामी ने मुफ्ती साहब दिया, अगर मस्जिद